सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता शेमाल देवभूमि उत्तराखंड गंगा घाटी के इन सुंदर वादियों से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपका अपने YouTube चैनल हर्ष ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ दिन के 12 बजे इस खूबसूरत नज़ारों के साथ से। अभी मेरी तैयारी है अपने गांव मुखवा जाने की। तो हमारे गांव में देवी भागवत हो रहा है और कल है पूर्णावती। वैसे तो मुझे जाना पहले ही था लेकिन मैं गुड़गांव में थी, परसों ही आई और अभी निकल रही यहाँ से। और अगर मौसम की बात की जाए दिन की, तो अभी काफ़ी अच्छी सी धूप लगी हुई है। बस कुछ ही जगह है आसमान पे जो बादल लगे हुए हैं, लेकिन आजकल इतनी बारिश हो नहीं रही जैसे कि होती है मानसून के टाइम पे। लेकिन जब हो रही है कहीं कहीं किसी भेली में तो बहुत ज़्यादा खतरनाक बारिश हो रही है। और निकलते यहाँ से, खूबसूरत सफ़र तय करते हैं। जगह मतलब हर 2-3 किलोमीटर के बाद झरने देखने को मिलते हैं और मानसून के टाइम पे तो ज़्यादा ही, जिसमें कि सर्द में बिल्कुल भी पानी नहीं रहता, मानसून के टाइम पे काफ़ी उफान पे रहते हैं झरने। और जब मैं गुड़गांव में थी ना तो मैं तरस रही थी इन झरनों को देखने के लिए। वहाँ पे तो वही पानी भी पैसे में ही पियो। जब मैं वहाँ पे थी ना 30-30 रुपए की बोतल मिलती थी, वो भी आधा लीटर की, और इतनी ज़्यादा प्यास होती थी कि मन ये करता था कि 2-3 बोतल एक ही बार में पी जाए, लेकिन नहीं, क्या करना था। और यहाँ पे देखने पे तो ये लग रहा, वाह, जहाँ देखो साफ पानी, पानी पीते रहो। तो ये है हमारे पहाड़ों में। चलिए जी, अभी हम पहुंच गए अपने गांव मुखवा में और ये सामने ही हमने गाड़ी पार्क की यहाँ पे। और जी ये आपको दिख रहा होगा, ये है पैदल रास्ता जो कि है मंदिर जाने का। तो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल ट्रैक है माता रानी के मंदिर तक का। और पहले एक बार घर जाते हैं, जो सामान है घर में रख देते हैं और फिर निकलते हैं तुरंत देवी भागवत कथा में। अभी हम पहुंच गए अपने घर मुखवा में। बिल्कुल बाहर पे ही सामान रखा, अभी न तो किचन खोला और न चाय वगैरह पी, सिर्फ पानी पिया और निकलते हैं क्योंकि जहाँ पे जाना है भगवती के मंदिर में, जहाँ पर कथा हो रही है। लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल ट्रैक है और लगभग टाइम हो गया 2:10 और 2 बजे से कथा स्टार्ट होती है। तो जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से। बाकी जो भी घर की सफाई होगी वो शाम को आके करूँगी। तो अभी जैसे ही मैं घर से निकली, मुझे लगा कि सिर्फ मैं ही लेट कर हो गई, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड ही जाएंगे, लेकिन नहीं, अभी हमारे गांव के बहुत सारे लोग जा ही रहे हैं कथा सुनने के लिए। तो साथ अच्छा है कि मतलब साथ साथ में मुझे दोस्त भी मिल गए। और ऐसे में जो ये जो पैदल ट्रैक है लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर, तो पता भी नहीं चलेगा रास्ते का। और जो ये रास्ता है ना, यहाँ से जो धराली का व्यू दिखता है तो बहुत ही सुंदर दिखता है यहाँ से। और ये सामने है धराली और ये हमारा गांव मुखवा और सामने माँ भगवती गंगा जी का मंदिर। अभी हम पहुँचने वाले हैं माँ भगवती के मंदिर में, जहाँ पे की चल रहा है भागवत कथा। और यहाँ तक आपको सुनाई दे रही होगी, मैक की आवाज़ बिल्कुल यहाँ तक आ रही है। तू बस विदानियों का शीश ना, रंग देवदारों का बीच ना। बस विदानियों का शीश ना, रंग देवदारों का बीच ना। तो अभी आप लोगों ने व्यास जी के मुखारविंद से माँ भगवती चंडी का सुंदर सा भजन सुना और अभी मुखवा के रजनीकांत सेमवाल जी, जो कि लोक गायक हैं, उनके मुखारविंद से
जी का सुंदर सा भजन सुनने को मिल रहा है जिसमें कि सभी लोग झूम रहे हैं। बोल सजे है तू जल्दी सजी है तू भैरवनाथ की आरती, टोल में बैठ के प्यार सजी है रे गंगा माँ जगदाई, वो तेरा रूप ऐसा माँ जैसे सूरज जिया द्वारा जिसमें बनी हुई है गर्मा गर्म पकौड़ी और जलेबी बिल्कुल प्योर घी वाली। आरती के बाद अभी यहाँ पे चल रहा है खाना, तो इससे पहले पंडित जी लोग जितने भी थे वो सब पंडित जी लोगों ने खाना खाया और अब हम लोगों का नंबर है, अब हम लोग खाना खा रहे। तो यहाँ पे जितने भी लोग देवी भागवत कथा में आए हुए थे वो सभी माँ भगवती का भंडारा खा के यहाँ से जा रहे हैं। खाना खाने के बाद अब यहाँ पे हो रहे हैं रात्रि को कीर्तन भजन, तो सभी गाँव के जितने भी लोग हैं सब भी बैठे हुए हैं। देवी के मंदिर से अभी हम लोग पहुंच गए अपने घर महुआ में, तो रात की लगभग 11 बज चुकी है क्योंकि काफ़ी लेट हो गई, क्योंकि खाना खाने के बाद मंदिर में काफ़ी लेट तक कीर्तन भजन चलता रहा और आने में बिल्कुल महुआ आने में एकदम चढ़ाई है जिस वजह से कि आधा से पौन घंटा लग जाता है। तो घर आती अभी मैंने बनाई गर्मा गर्म चाय और कल है पूर्णावती, तो कल का वीडियो कल बनेगा। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, प्लीज़ पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं गीता सेमवाल मिलती हूँ आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय गंगा मैया, जय चंडी मैया, जय सोमेश्वर देवता, बाय बाय।
पानी